हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट टेक में। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ जो पोको S2 की सबसे पहली ऑफिशियल रोम आई थी, स्टॉक रोम जिसे हम कहते हैं उसका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MIUI ने जो अपना लेटेस्ट अपडेट दिया था एंड्रॉयड 11 का, वो बहुत ख़राब था। तो इसके बाद मैंने मी फ्लैश टूल से मैंने अपनी स्टॉक रोम को फ्लैश कर लिया था। तो अभी मैं उसी पर हूँ जिसका वर्ज़न है MIUI 11.0.4.0। तो यहाँ मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबल वर्जन और एंड्रॉयड 10 है और सिक्योरिटी पैच है जनवरी 2020 का। तो इसके अंदर एक अपडेट आ रखा है जो है MIUI 12.0.2.0 का। तो इसे हम बाद में अपडेट करेंगे, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ परफॉर्मेंस इसकी जो है वो एकदम स्मूथ हो चुकी है। 120 हर्ट्ज का असली मजा आप इसमें ले सकते हैं आप आराम से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। आपको याद है MIUI 12 के बाद इन्होंने पोको S2 की परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब कर दी थी, पर अब परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ऐप्स जो आराम से ओपन हो रहे हैं और ओपनिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है अब। और इसके अंदर बस अब कुछ फीचर्स मिसिंग हैं जो कि MIUI 12 में हुआ करते थे, जिससे वो न्यू कंट्रोल पैनल है, फ्लोटिंग विंडो है, उनकी थोड़ी कमी है। बाकी रोम अच्छी चल रही है। अब मैं बात करता हूँ उसकी बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पे मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था जिसका नाम है एक्यू बैटरी। तो यहाँ देख सकते हैं अब मैंने इसको कल चार्ज किया था 2 बजे और 97%, और अभी ये हो चुका है 33%। तो अभी तक 4 घंटे 45 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, उन्होंने ड्रॉप हुआ है 64%। यहाँ पर आप पूरा इसका देख सकते हैं, यहाँ पर ये 57% तो ड्रॉप हुआ है स्क्रीन ऑन में और 9% स्क्रीन ऑफ में। और ये इसकी डिस्चार्जिंग स्पीड रही है 11.8% पर आवर, इतनी शायद MIUI 12 के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को काफ़ी अच्छा बैकअप लगा है अभी तक का। दोस्तों अब बात करें वो जो प्रॉब्लम की जो मेरे को एंड्रॉयड 11 में देखने को मिली थी, जो था PIP मोड, तो वो मैंने इसके अंदर फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो खोली अपनी और इसमें मैंने प्ले किया और मैं होम पे आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लोटिंग विंडो बन चुकी है और इसके अंदर कुछ बग भी नहीं है, अब अभी अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे नीचे जाके क्लोज़ भी हो रही है, जबकि पहले ये ऐसे क्लोज़ भी नहीं हो पाती थी। दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल इसी रोम को कुछ दिनों तक यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा जो यूजेज है उसके अंदर MIUI 12 के फ़ीचर ज़्यादा काम आते नहीं है और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच से मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं, उस पर इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं उससे। तो मैं अभी इसी रोम पर रहने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूद है और ऐसे कोई फ़ीचर मिसिंग भी नहीं है इसके अंदर जो ऐसा लगे जो ज़्यादा काम आते थे। पर अगर आप चाहें तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी कोई भी वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, या फिर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको फ्लैश टूल से फ्लैश करना बता दूंगा। और ये स्टॉक रोम इसकी जो थी उस टाइम पे बढ़िया रोम मानी जाती है, लेकिन इसके लिए अगर आप बेस्ट रोम चाहें तो 11.0.10 या फिर 11.0.7.0 आप लगा सकते हैं इसके अंदर। पर वो मैंने कोशिश की थी फ्लैश करने की, पर उसमें कुछ एरर आ गया था तो मेरे को स्टॉक रोम ही डालनी पड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में पूछें।